हाय, कैसे हो? मेरा आज का टॉपिक है लास्ट टाइम का ही है। हाँ, MST का केस है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा, जो पहले भी कहा है, 16 दिसंबर को जो जो जिस लड़की को रेप होता है उनको क्यों तूंगता है, उनको दूर क्यों रखता है, जो जानबूझ कर तो नहीं करता है ना, ऐसा एक्सीडेंट तो होता है ना। कभी कभी क्या होता है, वो जो झूठी कहानी भी करता है, एक उतलो लड़के को लूट लेडीज का ये भी प्रॉब्लम है, झूठी कहानी क्रिएट करता है। मगर ऐसा सब लोग नहीं करते, बहुत लोग अच्छा रहता है इसमें। जो कोई ऐसे बाजार को चली गई, उधर चार लोगों ने मिलकर रेप किया, गैंग रेप किया, उस टाइम इनका गलती नहीं रहता है। जो कॉलेज को जा रहे हैं उधर भी ऐसा हो गया, इनका गलती नहीं रहता है। इनको एक बार ऐसा इंसिडेंट होने के बाद, मैंने पहले कहा है हॉस्पिटल में डालता है ट्रीटमेंट, है वो पूरा चलता है, इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप, काउंसलिंग पूरा चलता है, ब्रेन वॉश पूरा चलता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में चलता है, साइकेट्रिस्ट भी करता है। मगर ये बात तो ये तो थोड़े दिन के लिए करता है, जब तक सास रहेगा तब तक ये लोग के साथ नहीं रहने का नहीं होता है ना। उसके बाद तो आपका बीच में आने का, पब्लिक के साथ रहने का, कभी कभी तब तो आपका जिम्मेदारी होता है सुई मार के बात नहीं करने का। कभी कभी ऐसा करने वालों को ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है, पता है आपको? कुछ लोग तो जिंदा ट्रीटमेंट होने के बाद भी, ट्रीटमेंट फेल होने के बाद भी जिंदा रहता है, पर तो जिंदा लाश हो जाता है, ऐसा भी होता है। इतना ब्रेन का इफेक्ट है इसमें, दिमाग का इफेक्ट होता है। मगर कुछ लोग तो आपका हमारे जैसे कुछ साल के बाद ऐसा नॉर्मल में आता है, पर ऐसा आने के बाद है ना, आपने फिर से पुरानी बात याद रहने का जैसे नहीं करने का। उनको ऐसा करने का आपका उनका उनका लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं, ऐसा करने का। तब तो ये खुशी से रहेगा, सिर्फ कैंडल इधर हो गए रेप हो गए, उधर रेप हो गए, ऐसा बात होने के बाद सिर्फ कैंडल जलाने से या रोड में स्ट्राइक करने से कुछ फायदा नहीं है ना। करने का सामने तो लड़ाई करके दिखाने का, वो तो स्ट्राइक करके दिखाने का, वो बात तो अलग है। अभी और एक जिम्मेदारी होता है ऐसा, जो ऐसा इंसिडेंट होने के बाद घर के पास आसपास आने के बाद, आसपास वालों को ऐसा होने के बाद, तो स्वीप डाल के बात नहीं करने का, तब तो ये लोग पहले जैसे खुशी से रहेगा। मेरा पर्सनल बात तो, मेरे को तो शादी नहीं हो गया अभी तक। शादी हो गया तो मेरे को भी दो बच्चिया चाहिए था, बेटिया चाहिए था, मेरा प्लान भी वही था। मगर मैं ट्राई करके फंस गया। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करने का? शादी करने के लिए तो जो लड़की जिसको पसंद किया था वो ट्राई करके तो वेस्ट हो गया। अब तो कुछ नहीं है, सिंगल सोलो लाइफ है। अभी तो मेरे को जाने का दाढ़ी भी पका, जाने का टाइम भी आया, ऊपर से कब कॉल आता है किसको पता, और किसी को पालने का शक्ति भी मेरे पास अब भी नहीं है। मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, मगर मेरे को चाहिए था दो बेटियां, और क्या करूं, किस्मत में क्या लिखा है किसको पता। अब तो देखिए पूरा मोज ये पूरा पक गया। इसलिए कहा था जिसको जो बेटियां पैदा हो गई, बच्चा पैदा हो गया, जो बेटियां पैदा हो गई, खुशी से रहने का, जो भगवान का प्रसाद मानने का और बैठने का, कुछ लेने का। मेरे को तो अब तो शादी की कुछ करने का इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं हो गया, मैं स्टाइल हो गया, मेरा फिटनेस हो गया, उसके बाद सोने का हो गया, वरना माइंड फ्रेशनेस नहीं रहता है। जिसने रेप किया है उनको मारने का, उनको एनकाउंटर करने का या फांसी देने का। मगर ऐसा जो जिसको रेप हो गया है उन लड़कियों को दूर नहीं करने का। पहले मैं बार बार मैं ऐसे यही बात कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? लड़का है लड़किया शॉर्ट ड्रेस पहनिए या चिकन खाइए या ट्रांसपेरेंट पहनिए या डांस कीजिए या मोमोस खाइए, रनिंग कीजिए,
कुछ भी गलती नहीं है एंटरटेनमेंट करने का, लाइफ तो एंजॉय करने का। मगर क्या बुरा है क्या अच्छा है जो दिमाग में पता चलता है ना, वो ध्यान से रहने का, ड्रिंक्स ड्रग्स सेक्स ये पर नहीं करने का, जुआ के पास पर नहीं जाने का, ये तो गलत है। इसको कानून में सजा भी है और इसको इज्जत भी नहीं देता, इसमें कुछ इज्जत नहीं रहता है। उसके बाद पीछे सलाखों के पीछे बैठना पड़ता है, पता है ना।